मेरे दिल से इस वक्त जो आवाज़ निकल रही है ना, वो अगर आप सुन सकते ना तो आपको पता चलता कि वो कितना अच्छा इंसान था। और मेरी तो दुनिया ही वही थी, मेरी दुनिया ही वही थी। बस आर्मी में जाने का उसको बहुत शौक, कहता था अम्मी मैंने आर्मी में जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाए। जब गया सारे घर वालों ने इतनी खुशियाँ मनाई हैं, सारे लोग कहते थे कि एक बच्चा उसको भी आर्मी में, इतने खुश थे हम लोग। मेजर ज़ियाउल हक़ शहीद मेरे इमीजिएट सीनियर थे, मेरे लिए मेंटोर की तरह थे। मुझे यूनिट की के बारे में, यूनिट की ट्रेनिंग, फौज की ट्रेनिंग जो कुछ था सब कुछ उन्होंने सिखाया। बाकी ऑफिसरों से बहुत डिफरेंट था। जब हमने इसको देखा तो सब ने इसको कहा कि यार ये हमारी यूनिट में एक आनर्ड आ गया है, बिकॉज़ ही वाज हैविंग अ स्टाउट बॉडी। मेजर ज़ियाउल हक़ शहीद जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो सरबांडा पे कंपनी कमांडर। ये लोकेशन इलाके में हमारे पास मौजूद लोकेशन में से हाईएस्ट लोकेशन, जो कि पियोचार वैली को भी डोमिनेट करती थी और दूसरी तरफ रुनियाल और आरपोर्ट वाली साइड भी थी। इट्स अ टारगेट थ्रेट। उस इलाके में अगर सरबांडा चला जाए तो ना कोई बुनाई पे बैठ सकता था, ना कोई रुनियाल में बैठ सकता था। तो ये अहमियत थी सरबांडा की, जिसके दफा के लिए मेजर ज़िया ने अपनी जान कुर्बान की। बहुत आजिज़ थे ज़िया माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें अगर होती हैं इर्द के, लेकिन वो खामोश रहते थे और ख़ामोशी के बाद वो गुस्सा नहीं करते थे, उस चीज़ को मैनेज करते थे, ठीक करते थे और सबके साथ वो मिल के चलते थे। बेटी की पैदाइश पे वो इतना खुश था कि बस अम्मी नाम पहले सोचा हुआ था अरूप फातिमा, और बहुत सदक थे अम्मी ये कितनी प्यारी बच्ची है ना। जब भी वो आते थे या फिर बाइक को हॉर्न देते थे तो मैं फ़ौरन भाग के कहीं पर छुप जाती थी कि वो आके मुझे ढूंढेंगे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता था और मैं खेलती थी, मतलब मेरे साथ खेलते भी थे, क्योंकि मैं काफ़ी हैवी भी थी बचपन में, वेट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो मुझे उठा के घूमते रहते थे, अच्छा लगता था सब। जब हमें जाने के ऑर्डर्स मिले तो हम उसकी ट्रेनिंग के लिए पबी के एरिया में गए और वहाँ पर यूनिट लेवल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई। उसमें मेजर ज़िया का बहुत अहम कलीदी किरदार रहा। वो ट्रुप्स को मोटिवेट भी करते थे, इलाके के इश्यूज़ के बारे में बताते थे, कस्टम्स के बारे में बताते थे, फायर एंड मूव के ऊपर पोस्ट को कैसे बनाना है, दिफा कैसे लेना है, हर चीज़ की ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। और उनका अपनी कंपनी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लगाव था। जिस दिन इनकी यूनिट ने मूव करना था ना स्वात, अल्लाह ताला ने उसी दिन बेटा दिया। बहादुर सिपाही के बढ़ते कदम को कोई चीज नहीं रोक सकती। सलाम है उन अजीम माओं को जो अपने सपूतों को वतन अजीज के अमन की खातिर अपनी दुआओं के साथ रुखसत करती हैं। स्पोर्ट्स में इनको बड़ा शौक था, मैं उन काफ़ी सारी गेम्स खेलते थे, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, काफ़ी सारी गेम्स। तो मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ उनकी तरह, कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहता। मुझे बचपन में मैंने जितना देखा उसके मुताबिक काफ़ी चीज़ें अभी भी मुझे याद आती हैं, लेकिन काफ़ी टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि वो मुझे ख्वाब में आए। मतलब अगर मुझे कुछ दिन नहीं भी आ रहे होते तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़बरदस्ती वो ख्वाब में आए। मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सवात हम लोग पहुंचे, उनकी जब कंपनी डिप्लॉयमेंट होगी, उन्होंने पहले कोशिश की सीओ साहब से रिक्वेस्ट करके कि जो सवात में हमारी यूनिट की लोकेशन पे मुश्किल वाली जगह है, मैं अपनी कंपनी वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। तो ये सरबंडा की लोकेशन इस वजह से चूज़ की, उन्होंने पसंद की कि मुझे दहशतगर्दों के साथ सबसे पहला मुकाबला जब भी हो तो मेरा ही साथ हो, तो इस वजह से उन्होंने ये लोकेशन चूज की। हम की ये सरजमी पाकर पाकर दुश्मनों की साजिशें जाकर जाकर जुर्रतों के निशा पाक फौज के जवां, हम दुश्मनों पे तू तेज मार कर तेज चल तेज चल तेज चल तेज चल रोजा निसार।
जब हम उस इलाके में पहुंचे तो वो हर बंकर की लोकेशन पे जाते, जहाँ जहाँ पे दफा लेना था अपने लोगों को बताते कि यहाँ इस तरह से दफा लेना, पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते, जो कि चार जगहों पे स्प्रेड थी। एक पल्टून साइज जो पोस्ट थी उसके अंदर 20 से 25 बंदे थे, तो तीन पल्टूने और एक कंपनी हेडक्वार्टर, ये हमारी लोकेशन थी एक कंपनी की। मिस्क्रियंट्स ने एक डेलिबरेट बड़ा अटैक प्लान किया जिसमें वो चाहते थे कि सरबांडा के ऊपर अटैक करके वो जगह पकड़े, और इस अटैक के लिए उन्होंने तीन चार जगहों को साइमल्टेनियसली इंगेज किया। इसके ऊपर जो मिस्क्रियंट्स ने अटैक किया वो 200-250 बंदे थे, प्लस जो उनके हाइट्स के ऊपर फीचर्स थे वहाँ से वो फायर भी कर रहे थे हैवी वेपन्स का, और रोल डाउन करके भी अपने ट्रूप्स को लेकर। मैं और सज़िया पूरी रात वायरलेस पे एक दूसरे से रबते हुए गए, वो इसलिए कि अर्टली ऑब्जर्वर मेरे पास था, तो उनको जहाँ जहाँ सरपरस्तों की हरकत नज़र आती थी तो वो अर्टली की कॉल मुझे देते थे, तो फिर मैं ऑब्जर्वर से फायर करा रहा था। मेरी कंपनी पे भी था, जब फायर ज़्यादा हुआ लोगों के करीब आना शुरू हुआ तो मेरी उससे कम्युनिकेशन होती थी, तो उसने कहा कि सर आप अपना देखें मैं इनको संभाल लूँगा, ये कुछ भी नहीं है। जब ये हमला शुरू था उस टाइम मेजर ज़ियाद साहब जवान मर्जी से लड़ रहे थे और साथ अपनी पूरी कंपनी के साथ पूरी पलटूनों के साथ ग्यारह के बंदे को हिम्मत बंधा रहे थे। चार पलटून के हवलदार बशीर को बता रहे थे बार बार कि बशीर परेशान नहीं होना, तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो मेजर ज़ियाद तेरे पास पहुँचा होगा। मिस्क्रियंट्स ने पहली कोशिश की ऊपर आने की नंबर 4 पलटून और नंबर 6 पलटून से, उसको उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बीट पैक किया। इस अटैक का अंदाज़ा इस तरह से कीजिए कि इन एडिशन टू दी डेड बॉडीज दैट लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी 60+ कैजुअल्टीज हुई, और मैं इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेजर ज़िया को दूंगा कि उन्होंने शुरू से इतनी अच्छी साइटिंग की, इतने बेहतरीन अंदाज से वेपन्स लगवाए कि तमाम ऊपर आने वाले रास्ते कवर्ड। मिस्क्रियंट्स ने रीइंफोर्स अपना दोबारा अटैक लॉन्च किया तो नंबर 5 पलटून के ऊपर और कंपनी हेडक्वार्टर पर अटैक किया। उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि वो आखिरी लम्हे तक रेजिस्टेंस देंगे, कि अभी उनके पास 2 बंदे रह गए और मिस्क्रियंट्स बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस लोकेशन से मूव आउट करके लेफ्ट पे जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। उन्होंने अपने साथ दोनों लड़कों को ऑर्डर किया तुम यहाँ से निकलो, अगली लोकेशन को ऑक्यूपाई करो, मैं तब यहाँ से निकलूँ। स्टूड इज ग्राउंड टिल द लास्ट, और बिफोर ही कुड मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन हिमरेश शाहत। उसे कौन मार सकता है जिसने मौत में बका तलाश कर ली, ऐसा आशिक जिसने अपना आज कौम और वतन के आने वाले कल पर कुर्बान कर दिया। जब मैं कंपनी कमांड पोस्ट पर पहुंचा तो मैंने देखा he was holding his rifle tight in his hand, he died a true soldier। उन्होंने हमारे लिए एक selflessness और devotion की मिसाल कही। वो चेहरा देखा वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो घर में मुस्कुराते हैं, वैसे ही उनकी दाढ़ी चमक रही थी वैसे ही माशाल्लाह, और वो जैसे मुस्कुरा रहे थे जैसे मुस्कुराते हमेशा। एक ख्वाब जो मुझे हमेशा आता है और सेम टू सेम वैसे ही आता है कि वो वाइट शर्ट टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई है और कमरे से निकलते हैं और टॉय रूम हमारा एक होता था वहाँ तक भागते हैं और मैं उनके पीछे भागती हूँ, उसके बाद फिर वो नहीं होते वहाँ पर। जिसे ने आना था ना उसने उस दिन क्या उसने यमुना को कि मैं सुबह हैली नहीं आने कल या परसों हैली आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आ जाऊँगा आऊँगा एक 10 दिन की छुट्टी। तो हैली तो आया लेकिन उसकी डेड पड़ गई। इस ऑपरेशन में हमारे 5 जवान शहीद, जिसमें मेजर ज़ियाउल हक ऑफिसर, सूबेदार अस्कर जो कंपनी के जेसीओ थे, हवलदार अफसल, हवलदार बशीर और लास्ट नेक अनवेस्ट। जो मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना है उसको ना अभी तक कुछ हुआ और ना इंशाल्लाह इसके बाद कभी कुछ होगा। पाकिस्तान आर्मी की ताकत पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम की ताकत पाकिस्तान आर्मी है, और यही उनका जज्बा था जिसने हमें मज़ीद मोटिवेट किया, और इस जज्बे को लेते हुए रिज बाय रिज वैली बाय वैली पूरा स्वात क्लियर, और वहाँ पर दोबारा से अमन कायम हुआ और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस आई। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, ये इश्क ही तो है जिसके जिस्म पर आग बरसाती गोलियाँ भी फूल बनकर बरसती हैं, इसीलिए तो वो जिंदा है और हमें इसका शऊर नहीं। मैं दुआएं करती हूँ
कि या अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने पोते को यूनिफॉर्म में देख सकूं। ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि बंदे का जिस्म परचम में लिपटा है।